हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाएंगे बर्गर बन से गार्लिक ब्रेड। सो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर बन को ब्लॉक्स में कट कर लेंगे। जैसे मैं कट कर रही हूँ, आपको वैसे ही कट करना। इसी तरह से आपको बर्गर बन को इस तरह से कट करना है। ऐसे ही अब हमें दूसरे बर्गर बन को कट कर लेना है। अब हमें बटर का मिक्सचर रेडी करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए बटर। अब इसमें हमें ऐड करना है चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक का हमें कम ही यूज़ करना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। लहसुन को हमें थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसी मिक्सचर को हमें बन के ऊपर अच्छे से लगाना है सभी में। बटर का मिक्सचर लगाने के बाद अब इसमें फिल करेंगे चीज़। मैंने यहाँ अमूल का प्रोसेस चीज़ यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। चीज़ डालने के बाद फिर हम इसे 10 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा बर्गर बना रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे बटर का मिक्सचर। बर्गर बन से हमारी गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुकी है। इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी लगा है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।